खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ADG ब्रिज मोहन ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना में बड़ी गैंग शामिल है, जिसने पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले के तह तक जाने के लिए आइए दिखाते हैं दीपक चौहान की यह रिपोर्ट। वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ADG ब्रिज मोहन ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना में बड़ी गैंग शामिल रही, जिसने पूरी प्लानिंग के तहत पहले अपने गैंग के कुछ आदमियों के तहत बैंक मैनेजर को CSR फंड से पैसे के फायदे के लालच देकर बैंक से पैसा मंगवाया और फिर गाड़ी द्वारा पैसे लाने के उपरांत उनकी हत्या करके लगभग 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता मुकेश पाल व आलोक राय बताया गया। अभी तक इस घटना में कुल 6 लोगों जिनका नाम निम्न है, शिवा श्रीवास्तव उर्फ आदेश, मुकेश पाल, अतुल सिंह, अतुल विश्वकर्मा, संजय पटेल, सुनील पटेल की गिरफ्तारी हुई है और अन्य फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जिन्हें शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। तो टच में था हमारे जो प्रबंधक के, ये रहने वाला बड़ा गांव वाराणसी का है, मेरा बलरामपुर का, ये भी गिरफ्तार हुआ है। एक अतुल सिंह है, ये रमी पिंडरा के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। तो ये एम्प्लॉई है अतुल विश्वकर्मा, जो मौके पर मौजूद था, ये घटना हुई थी, पीछे खड़ा हुआ था, उसकी गाड़ी बैठ के आगे बढ़ा था, वो भी गिरफ्तार हुआ है। संजय पटेल जो ड्राइवर था, वो गिरफ्तार हुआ है। सुनील पटेल जो एक व्यक्ति साथ में और था, वो गिरफ्तार हुआ है। 6 जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा एक और व्यक्ति जिसकी बड़ी अहम भूमिका निकल के आ रही है, आलोक राय है, वो फरार है। मैं सबको बता देता था, यूनियन में ऊपर के ऑफिसर के, तो लोग कहते थे कि तुम मैनेजर की बातों को इग्नोर कैसे कर सकते हो, और उनकी बातों को मानते मानते ही न इग्नोर करने का नतीजा मेरे पास आया। अगर इग्नोर कर दिया होता तो लड़ाई जो भी होती मैं वहीं पे रुक जाता, मुझे तो कम परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन आज उनकी बातों को मानना, सीनियर की बातों को मानना मेरे लिए ऐसा इतना घातक हो गया कि मुझे अपनी रोजी रोटी और सब्जी तक के लिए तरसना पड़ जा रहा है। कितने सालों से बैंक में 5 सालों से, लेकिन 4 महीने से मैं कैशियर की सीट संभाल रहा था। मैं बोला भी मैं परमानेंट कैशियर नहीं हूँ, मैं ही क्यों बैठूँ, क्यों से कैशियर बना था। तो मैं वहाँ जब ब्रांच में आया तो मैं बोला कि परमानेंट मैं ही क्यों बैठूँ, मैं नया नया हूँ, मुझे को अमित सर भी बैठ सकते हैं। बोले नहीं, मैं मैनेजर हूँ, तुम्हें चाहूँ तो 7 बजे तक रोक सकता हूँ, 7 बजे तक काम ले सकता हूँ, और तुम्हें दोबारा मैं कैश बुक कटवा करके तुमसे क्या बोलते कि पेमेंट करवा सकता हूँ, भरवा सकता हूँ। मैंने कई बार उस दिन कितने बजे तक थे? उस दिन मैं सर 7 बजे तक इंतज़ार करता रह गया सर, कि सर आएंगे तो इसको टैली करवाएंगे, यहीं कह के गए थे। और इंतज़ार करते करते जब घटना घटी तब फिर मैंने बताया ऊपर के कर्मचारी अधिकारी को। नाम क्या है? राहुल कुमार। बस पौने की मेरी सीमा 1 लाख रुपए है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, एक लाख रुपए में नाम दिया जाएगा, 1 लाख मेरी सीमा बंद करना है। इसको ऑफर दें और रखें, सर ये किस प्रकार का गुड वर्क है? देखिए, आप सबके संज्ञान में है कि 9 जून को शाम को PNB के एक ब्रांच के मैनेजर की सनसनीखेज हत्या घटित हुई थी, और हत्या के बाद गाड़ी में जो 20 लाख रुपए का एक कैश था, बैग हो लेके अपराधी फरार हो गए थे। बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी, इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें कुछ बातें जो निकल के आई, एक तो ये निकल के आई कि बैंक के जो पैसे का दुरुपयोग हुआ, अनियमित तरीके से बैंक का पैसा बाहर गया, रिकॉर्ड में पैसा बैंक के अंदर था और पैसे को बाहर लेके जाया गया। अपराधियों ने बैंक के मैनेजर को लालच में फंसाया CSR के नाम पर, हम प्राइवेट कंपनियों से CSR दिलवाएंगे, जितना पैसा आप देंगे डबल आपको मिल जाएगा। उस लालच में शायद
बैंक के बाहर मैनेजर आ गए और जो बैंक मैनेजर के जो निकट लोग थे, ड्राइवर और एक और एजेंट था उनके संपर्क रहते थे, उनको बदमाशों ने संपर्क किया और उसके लिए बैंक मैनेजर को सत्यग्रहण तैयार किया। ये काफ़ी बड़ा रैकेट है, अब तक में 6 गिरफ्तार हुए हैं और अभी मिनिमम 5 लोग और हैं जिनको हमें गिरफ्तार करना है। इनकी मीटिंग होटलों में भी हुई, टेलीफोन से भी इनकी बातचीत हुई। इस केस को खोलने के लिए कई जिलों की टीम हमने लगाई, इसका पूरा सुपरविजन IG रेंज कर रहे थे। वाराणसी की क्राइम ब्रांच भी थी, लोकल थाने की भी थी, SOG गाजीपुर, SOG भदोई, मऊ की टीम, अजमेर की टीम सब लगाई गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई जिलों में गैंग फैला हुआ था। प्लानिंग के मुताबिक ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, उधर बैंक मैनेजर साहब पहुँच गए थे। गाड़ी में कुछ अपराधी, एक गाड़ी में आके बैठे 3 अपराधी और कुछ अपराधी पीछे वाली गाड़ी में बैठे। मौके पर मिला के 8 अपराधी मौजूद थे, बाकी अपराधी दूर से प्लानिंग कर रहे थे, जो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। आगे लेके गए तो गोली मार दी गई और बैग लेके फरार हो गए। अब तक इसमें 6 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी अभी 5 लोग अभी और हमारी संज्ञान में आए हैं, एक आधा उसमें नाम और भी बढ़ सकता है। अभी उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, मुझे विश्वास है जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी होगी। सर, क्या कोई अपराधी की क्या सराहना? ये सारी खंगाली जा रही हैं चीज़ें कि जिस प्रकार के लालच से उन्होंने इनको फंसाया है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ऐसे फ्रॉड कहीं और भी किए हों। मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा, यदि किसी का ऐसा फ्रॉड हुआ है तो क्या वो हमारे सामने आए हैं। यदि किसी ने कोई रिपोर्ट न किया हो, फ्रॉड हो गया हो, उसको भी देखा जाएगा, बाकी इनका सारा विचार करा जा रहा है। देखिए, मुख्य साजिशकर्ता एक हम कहेंगे, एक तो व्यक्ति निकल के आलोक राय निकल के आ रहा है, वो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस मुकेश को भी पूरा तैयार किया। बाकी और जो गैंग जो बाकी अभी पकड़े नहीं गए उनके संपर्क में, पूरा गैंग उनके संपर्क में है। लिंक मुकेश और ये आलोक दोनों गैंगों के बीच लिंक थे। आलोक राय इसमें मुख्य साजिशकर्ता है। उधर मैं मुकेश को भी कहूँगा कि मुकेश ने पूरा ये जो नीचे वाले ये सर लोग थे, बैंक के मैनेजर थे, ड्राइवर थे और लोग थे, इनको पूरा संपर्क साधन को तैयार किया, ये सारे लोग मैंने बोला। ₹1,00,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया गया, जो अधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और बाकी अभी काम और बकाया है, वो काम भी मुझे उम्मीद है जल्दी पूरा हो जाएगा।